मॉर्निंग 10 थे बेटा। आपा कल कर रहे थे श्री गुरु अमरदास जी, ठीक है, उन्हां दी काव्य रचना कृपा करके बख्श ले। अज आपा काव्य रचना दे अंदरों दी क्वेश्चंस करने नहीं, उस तो बाद विच आपा समासी शब्द करांगे, ठीक है। तो कल केंद्रीय भाव अंदर तानू मैं क्या सीगा। ओके ठीक है। सो पहला देखो, यह काव्य रचना किसे लिखी हुई है? श्री गुरु अमरदास जी दी, ठीक है। तो काव्य केड़ा है? एक काल भी तो आने में दस्या सी, काव्य गुरमत काव्य बाणी नोक श्लोक वारा तो वधीक। शब्द है श्री गुरु अमरदास जी का, जो कि सिखां दे तीसरे गुरु सन। सब तो पहला आपा करते हैं शब्दां दे अर्थ, ठीक है। फर्स्ट है खते, आप या फुलना। दो काव्य रचनावां ने थानू सिलेबस सेंड कर दिता है, सिलेबस सेंड हो गया, दूसरा भी सेंड किया होया आई थिंक, ठीक है, पंजाबी ग्रुप च है शायद। ओके कोई गल नहीं, मैं दोबारा भेज देवांगी। नेक्स्ट है कमावदे, कमाउंदे। असि पाप बहुत ज्यादा कमाउंदे हाँ, पाप बहुत ज्यादा करते हाँ। नेक्स्ट पारावार, पारावार जी दी कोई लिमिट ना होवे, ठीक है, जिसनों पार ना किता जा सके। बक्स मतलब नेक्स्ट बट बहुत बड़ा। लेखे लेखे कर्मा दा लेखा जोखा, ठीक है, कर्म कर्मा दा निबेड़ा भी हो सकता है। बार मतलब वारी, लेखां दी वारी। टर्न आवई, ओणा। तुठे गुर तुठे, कृपा दे नाल, गुरु दी कृपा दे नाल, ठीक है। मिलिया मिलिया, किल्विक,
आप लिख लो, भी काट दीजिएगा थे। कट विकार, पांचवी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। ठीक है, सारे आई थिंक 6 लाइना ने, 5 लाइना ने, ठीक है, शब्द दिए। ओके, शब्द पे बातें। माधव तुसे लिख रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड। गुरु जी किस अग्गे अरदास कर रहे हन? गुरु जी किस अग्गे अरदास कर रहे हन? लिख लो माधव। गुरु जी परमात्मा अग्गे अरदास कर रहे हन। ते अरदास किस लिए कीती जा रही है? अपने भुलना बख्शन लिए, अपने जिन्ने पाप कीते ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु दी दयालता किस नाल मिलाउंदी है? हां जी, गुरु दी दयालता किस नाल मिलाउंदी है? परमात्मा नाल। ऑप्शंस आ सकदियां ने, आत्मा नाल, परमात्मा नाल, भक्ता नाल, गुरुमुखा नाल। ठीक है, सही बारह किनिया सन इन्हां दियां? 12, 12 श्री गुरु अमरदास जी दियां सिकाल कीता सी ना, 12। चार और शब्द 907, प्रमुख बाणी अनंत सर। ते राग किन्ने सन इन्हां दे? टोटल किन्ने ने? 31। ठीक है, जीवात्मा, जीवात्मा सारी उम्र की करती है पाप या पुलना? जीव आत्मा सारी उम्र की करती है पाप या पुलना? ठीक अंत विच मनुख दे किस काम दा नबेड़ा होना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत विच मनुख दे किस काम दा नबेड़ा होना है? अंत विच मनुख दे किस काम दा नबेड़ा होना है? किस काम दा नबेड़ा होना है? हां जी, कर्मा दा नबेड़ा। डन। परमात्मा नाल जीव आत्मा नु कौन मिलाउंदा है?
सच्चा गुरु परमात्मा की लिखो ऐसे, परमात्मा नाल जीव आत्मा नू कौन मिलाउंदा है, सच्चा गुरु। परमात्मा का नाम कौन त्योंदा है या परमात्मा का नाम कौन जपदा है, मनमुख जपदे ने कि गुरमुख जपदे ने, गुरमुख। परमात्मा का नाम कौन जपदा है, मनमुख भी जप सकते ने परमात्मा का नाम। पहला उन्होंने अपने मन नू मारना पड़ेगा, फिर जाके वह परमात्मा का नाम जप सकते हैं, तो फिर जाके कि गुरमुख बन सकते हैं। ठीक है, जग विच जय जयकार किना दी हुंदी है, गुरमुख बेटा जेड़ा ना मतलब गुरु दे लड़ लगा हुंदा है, जिहड़ी अपनी मन दी नहीं सुनदा। मनमुख हो, मनमुख मतलब जेड़ा मन दी सुनदा है। ठीक है ना, अपने ये नहीं कि बाकी भी सारे मन दी सुनदे ने, मतलब वो अपने मन दे पिछे लगा हुंदा, कह लो कि एक नास्तक बंदा, वो परमात्मा दे विच विश्वास नहीं रखता, उन्हें जो अपने मन विच आया उन्हें उही करना। गुरमुख हुंदा है कि गुरु दे लड़ विच लगा हुंदा है। ठीक है, ते गुरु होना जरूरी है, गुरु ही सानू अगो परमात्मा नाल जाके मिलाउंदा है। ठीक है, एक कड़ी है, एक कड़ी है, वो कड़ी नू जोड़दे हन, सच्चा गुरु जोड़दा है। ठीक है, ते जेड़ा मनुख की फैक्ट्री है, जेड़ा मनुख की कहंदे ने कि गुरु बिना गत नहीं ते शाह बिना पत नहीं, एक फ्रेज है, ते गुरु दे बिना गति नहीं हो सकती। ठीक है ना, थोड़े कर्म मतलब एंड ते जाके तो ये गल्ला समझ लगनगियां। ठीक है, सो परमात्मा का नाम लेना भी बहुत जरूरी है, चाहे तुसी थोड़ा थोड़ा लो। ठीक है, जिस तरह जरूरी नहीं कि तुसी 2-3 घंटे पहला थोड़ा थोड़ा नाम जपो, ठीक, थोड़े चंगे लिए थानू एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। ठीक है, विकार मैं थानू लिखवा दिते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, किन्ने क्वेश्चंस हो गए, इन्ने ही बन रहे ना, बाकी आई थिंक मैं थानू पहला भी सेंड किए हुए ने। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर शब्द अरसी मैं थानू लिखवा दिते, राइट, और नहीं हो रहे। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट समासी शब्द, समासी शब्द आपा कर रहे सी, नेक्स्ट समासी शब्द, नेक्स्ट वीक आपा मुहावरे और जो रह जाएगा वो अर्थक रह जाएंगे, असं वो कर लवांगे। डेफिनेशन आपा कर लिए सी, है ना, उस तो बाद विच टेबल भी कर लिया सी। ठीक है माधव, समासी शब्द की हम देने, समासी शब्द किदां दसो, फिर भी थोड़ा बहुत अगर थानू अपनी गल ही एक्सप्लेन नहीं करनी आंदी ते बहुत माड़ी गल है ना, 10th विच आके भी तुसी अपनी गल नू एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जे पता हो ते फिर कर सकते हो, जे नहीं पता ते फिर नहीं कर सकते, फिर कोई ना कोई एक्सक्यूज बन ही जाता है। समासी शब्द हरियांश, दो तो ज्यादा मतलब हो गए समासी शब्द कहते हो नो,
वो बहुअर्थक शब्द होंगे ने बेटा। समासी शब्द मतलब मेल ना बनते ने, सुमेल ना बनते ने, ओहदे विच जिहड़े वाकंश होंगे ने या संबंधक होंगे ने, योजक होंगे ने, उन्होंने आपां हटा दिंदे आ। ठीक है, अगो टेबल भी बनवाया सी वो आपां कर चुके हुए हैं। असी समान अर्थक वाली कर ली सी, समान अर्थक शब्द, विरोधार्थक भी हो गया, भिन्न भिन्न अर्थ वाले हो गए सी। हाँ, भिन्न भिन्न अर्थ वाले हो गए सी, सार्थक निरार्थक। हाँ जी, उस दिन आप डिस्कस कर रहे सी ना। तीन रह गए सी। वाकंशा दे आधार पे सारे एक एक बारी कर लेने हैं, कर लेने दोबारा दोहरावे। ते लास्ट उर्दू फारसी। माधव, मासिक शब्द या किस्मा, सात तरह के नाल। ठीक है, वो बाद विच आपा नाम वगैरह वाले वो भी आपा कर रहे थे, वो थोड़े टफ नहीं। राइट, सो समान अर्थक मतलब जिन्हों का सेम मीनिंग होवे, जिस तरह मिट्टी कट्टा, सोच विचार, संगी साथी, गलबात, लाल सूहा। लाल सूहा आंदा है? हाँ जी, ओके, लाल सूहा। ठीक है, क्योंकि वो सूहा का मतलब भी ब्लड रेड जिन्हों आप कह रहे हैं। विरोधार्थक अलग अलग, अमीर गरीब, सुख दुख, राजा रानी, दिन रात, उत्ते थल्ले, उच्चा नीवा। नहीं, सिर पैर नहीं आएगा उन्होंने। अलग अलग मतलब थोड़ी है उन्होंने, अलग अलग मतलब नहीं है। हाँ जी, हाँ हो सकता है, मतलब विरोधार्थक दे विच आना है जिन्हां दे ऑपोजिट मीनिंग होण। ठीक है, ते पिन पिन विच आना है जड़ा तुसी बोल रहे हो ना। हाँ जी, सिर पैर, सोना चांदी। हाँ, पिन पिन विच। ठीक है, चंद तारे, अंग पैर, अन्न पानी, गरीब गुरबा। आ सकता है? नहीं, आपा बोलते नहीं। देखो, ये पिन पिन अर्थ वाले ना आपा कैजुअली गल करते टाइम ना आपा इन्हां नूं नाल ही ले लैने, एक दूसरे दे विरोध विच तां होंदे ही नहीं है। इन्हां दे सेम मीनिंग भी नहीं होंदे, मीनिंग अलग अलग होंदे ने। आपा बोल चाल दी जदों आपा बोलदे हां ते आपा अलग अलग इन्हां नूं वैसे ही बोल लैने आ। जिस तरह हाँ, दाल रोटी खानी है, चाह पानी पीना है। ठीक है, दाल सब्जी, घ्यो शक्कर हो गया, दही दूध हो गया, दाना पानी हो गया। ठीक है, ये सारी। नेक्स्ट, सार्थक निरार्थक तो तुम्हें पता ही है, रोटी राटी, जूस चास, पानी पुणी। ठीक है, ये तो आपा आम ही बोलते रहने हैं, और साड़ी वो कह लो कि पंजाबियों की खासियत है कि आपा एक वर्ड का नाम लगाना ही लगाना है ना। नहीं है, फैक्ट है ना, आपा लगाने हैं ना। कुर्सी करती इधर कर दो, आपा कुर्सी तो कभी नहीं बोलना, नाल करती अपने आप ही आ जाना, ऑटोमेटिकली नाल आते रहते हैं। नेक्स्ट, वाकंशा के आधार पे आ बीती, सूरज ग्रहण, जग बीती, मतलब ये दा दे दी नू विच अते इस तरह के वर्ड्स लगते ने। ठीक है, सिर, हाँ जी, सूरज ग्रहण, आप बीती, खेड़ का मैदान, लोक राज, ये सारे ये विच आ जाते हैं। नेक्स्ट है दोहरावे, तो इजी है। काली काली, तेज तेज, सवेरे सवेरे, दोपहरे दोपहरे, राती राती। हाँ ठीक है, सवेरे सवेरे, उर्दू फारसी, पंजाब दी शान, शेरे पंजाब, विरासते खालसा,
ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ? ਏ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜੋੜਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ, ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹਾਲੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਦਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਵ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਨ ਤੇ ਦਿਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ, ਬਿਨ ਤੇ ਦਿਲ, ਬਿਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ? ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ? ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹੱਥਕੜੀ, ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋੜਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਘਰ, ਜਲਘਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਨਾਮ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਉਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਾਲ ਵਾਚਕ, ਸਥਾਨ ਵਾਚਕ, ਕਾਰਨ ਵਾਚਕ, ਤਕੀਦ ਵਾਚਕ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅਗੇਨ ਹੱਥਕੜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਲਘਰ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ, ਰਾਈਟ? ਦੂਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੀ ਨਾ, ਦੂਰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਤੇ ਨਾਂਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਭਾਵਵਾਚਕ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1 + 30 ਦਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁੱਡ, 1 + 30 31, ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲੜਨਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਝੜਨਾ,
नहीं इतने इन्होंने जोड़नी चिन्ह पाया नहीं हो, बट आना तो चाहिए है, पर इदा ही इन्होंने देखो लिखा हुआ है एक प्लस ती समासी शब्द, जिस तरह हूँ इन्होंने लिखा होया है कि एक होर है तीन प्लस कोण का समासी शब्द तिकोण, बट आपा समासी तो वो ही रहने जिसे जोड़नी चिन्ह पैंदा है, पर इन्होंने प्रैक्टिस लिए दिते हुए हैं ए बुक विच देख लो। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਆਣਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ? ਓਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਇੱਟ ਖੜਿੱਕਾ, ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ, ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ, ਵੇਲਾ ਕੁਬੇਲਾ। ਇੱਟ ਖੜਿੱਕਾ, ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ, ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ, ਵੇਲਾ ਕੁਬੇਲਾ। ਸਾਰਥਕ ਨਿਰਾਰਥਕ ਇੱਟ ਖੜਿੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜਿੱਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਆ ਗਿਆ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਟ ਖੜਿੱਕਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਟ ਖੜਿੱਕਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਲਾਲ ਸੁਰਖ है, लाल सुर्ख विरोधार्थक शब्दों के सुमेल नाल बनिया है। फर्स्ट ऑप्शन लाल सुर्ख, दिन भर, सवेर शाम, वेल बूटे, सवेर शाम ते वेल बूटे केड़ा है? हां जी गुड, वेल बूटे पिन पिन अर्थां वाला है।